अलग सांस से। चलिए इसे कल सुधारेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव नारायण लाइव हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर को लेकर के, हैं? ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो मन होगा वो भी कर सकते हैं, सही नहीं? चलिए, सब उल्टा उल्टा है जी, नहीं नहीं, क्योंकि देखो इसमें भी कलाबाजी किए हुए हैं, सब कलाबाजी किए हुए हैं। यहाँ अलग ही कल से सिटी में गड़बड़ी हो गया है। चलिए जो लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड में बात करेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है नहीं? उसके पहले हम लोग और भी बात करेंगे, है नहीं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का करेंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, दिक्कत? तो आप लोग बाबू लोग क्या किए थे, डिहाइड्रेशन किए थे अल्कोहल का, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किए थे, है ना? तो अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन किए थे तो बना था अल्कीन, क्या बना था? अल्कीन बना था, है ना? ये चीज आपका, तो आप जब डिहाइड्रेशन किए थे किसका, अल्कोहल का, तो अल्कीन बना था, नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, देखिए जरा CH3, CH2, CH2OH, मान लिया ये ले लिए। अब इसका करवाते हैं डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में क्या किए थे बाबू आप, अल्कोहल का रिएक्शन करवाए थे किसी एसिड के साथ, एसिड जो भी लिए थे आप, H2SO4 लिए थे या H3PO4 लिए थे, जो भी एसिड लीजिए, एसिड का काम क्या है, H प्लस देना, तो एसिड H प्लस देगा, खत्म कहानी। तो एसिड H प्लस दिया, एसिड दिया H प्लस, और अब क्या है आपका, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये पड़ा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, दिए जाकर के इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, समझे नहीं? अब तब क्या बन जाएगा बच्चा आपका, बनेगा CH3 CH2 और ये हो गया OH2+ हो गया, ये आपका हो गया खत्म काम, इसमें कोई दिक्कत है? ये बन जाएगा। अब उसको हम कॉपी कर रहे हैं, दो बार कॉपी कर रहे हैं, बस कॉपी करके हम लिख रहे हैं, कॉपी करके आप पेस्ट कर दिए CH3 CH2 और ये हो गया OH2+। फिर से हम लिखे CH3 CH2 और ये हो गया CH3 और CH2 है, तीन तो CH2 ना है,
यहाँ दो ही टू लिखे हैं, CH3 CH2 और ये OH2+, और फिर यहां भी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये OH2+ और ये CH3 CH2 और ये CH2 और ये हो गया OH2+ है, कोलिंदी नहीं, पहले अल्कोहल H+ जो कि एसिड से आया है उसके साथ रिएक्शन किया वो बनाया है, हैं? अब उसको बस हम यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे बस लिखे और कुछ विशेष काम नहीं किया। अब इसका भविष्य क्या होगा, ये आगे क्या बनेगा, चोर बनेगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, क्या होगा, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पे, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, है नहीं? आपको पहले ही बताए हैं, फिर से आपको बता रहे हैं कि हाई टेम्परेचर फेवर करता है किसको, एलिमिनेशन रिएक्शन को। हाई टेम्परेचर फेवर करता है किसको, एलिमिनेशन रिएक्शन को, और लो टेम्परेचर फेवर करता है किसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, है ना? कुछ इसी तरह का बात है कि एक ही आदमी किसी और कंडीशन में हो सकता है कि डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर ऐसा बन जाता, और किसी दूसरा सिचुएशन में वो हो सकता है कि अपराधी बन जाए, चोर बन जाए, लुटेरा बन जाए, पकेटमार बन जाए। यही आदमी आप किस कंडीशन में आप रखे हुए हैं, तो अगर आप रखे हुए हैं हाई टेम्परेचर पे, इसका भविष्य क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है? और वो भी आपका ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो हम लिखे थे कि प्राइमरी अल्कोहल E2 मैकेनिज्म से आपका प्रोडक्ट बनाता है, है? E2 में क्या होगा जी, यहाँ पे लिविंग ग्रुप देखो आपका जुड़ा हुआ है, कौन, OH2+ H2 बन के निकलेगा ना, तब इसका बगल वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन, तो यहां से कोई बेस आएगा, बेस को आएगा, कोई भी बेस लिख लो, हम यहाँ पर बेस को B- लिख दिए, कोई बेस आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकालेगा, इस पर आ जाएगा माइनस, है? और तब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ध्यान देखिएगा, अकाउंटिंग कीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब रखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, एक एक्स्ट्रा लिया ना जी, एक माइनस ना आ गया, और पहले से एक इस पर एक प्लस ना था, ये माइनस और प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये प्लस ऑक्सीजन पे रहता, माइनस किसी और पे रहता तब तो बॉन्ड बन जाता, लेकिन ये प्लस ऑक्सीजन पे है और दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के इसी ऑक्सीजन पे ना रहा है, तो माइनस भी तो ऑक्सीजन पे ना रहा है, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, खत्म कहानी, ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। और अब देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन का एक ही ना था, वो दोनों लेके भाग गया, तो ऑक्सीजन के पास कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया, तो कार्बन पे आ गया प्लस, है? और अब यहां देखिए, हाइड्रोजन जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो इस दो इलेक्ट्रॉन में कार्बन को तो था एक इलेक्ट्रॉन ना, ले लिया दो इलेक्ट्रॉन, है? तो कार्बन पे क्या आ गया, माइनस, और इस कार्बन पे क्या आ चुका है, प्लस, तो इस पर है माइनस और इस पर है प्लस, है? तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, साथ साथ ये बी माइनस है और यहां से हाइड्रोजन निकल गया एच प्लस के रूप में, तो बी माइनस और एच प्लस क्या हो गया आपका, ये बी एच हो गया, है नहीं? तो ये आपका हो गया बी एच और प्लस, यहाँ पर क्या बन गया बच्चा, CH3, ये आपका बन गया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये अल्कीन बन गया। ये कब बनेगा, ये बनेगा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर फेवर करता है, बार बार कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है। और अब इसके तुलना में टेम्परेचर यहां अगर लो रखेंगे, एट लो टेम्परेचर
तो लो टेम्परेचर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। तो अब क्या होगा, ये बना हुआ है यहां पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, सही नहीं, क्योंकि वाटर बार्बर का एक स्टेबल कंपाउंड है, जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो जितना कम स्टेबल रहेगा वो उतना गंदा लिविंग ग्रुप होगा। है तो अब जो है कोई दूसरा अल्कोहल पार्टिकल आएगा, दूसरा अल्कोहल पार्टिकल कहां से आ जाएगा, सर हम लिए एक थोड़ी थोड़े रखे हैं, ऐसा ऐसा एक मोल है, एक मोल में ऐसा ऐसा कितना पार्टिकल होगा जी, 6.022 × 10²³ वेरी गुड, उसमें से कुछ अभी H प्लस के साथ कंबाइन करके इस रूप में आया हुआ है, कुछ अभी भी इसी रूप में है। तो अब जो है कोई दूसरा आपका अल्कोहल पार्टिकल आएगा, देखिए यहां पर लिख रहे हैं बाबू लोग CH3, CH2, CH2 और ये OH, ये आएगा और ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, और ये जो है ये फ्रंट साइड से लीव करेगा। हो अब फिर से हिसाब किताब रखिए, फ्रंट साइड से लीव किया, एक ही बात हो रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या, ध्यान एकदम नहीं दे रहे हैं, बार बार एक ही बात हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट रहा है तब है ज्यादातर समय में हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज माने क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही व्यक्ति लेके भाग जा रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में उसका एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक एक्स्ट्रा लेगा तो एक माइनस आएगा, अब पहले इस पर एक प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यहां से तो वाटर निकल गया, तो यहां निकल गया वाटर, हम यहां साइड में लिख दे रहे हैं वाटर, ये निकल गया वाटर, और अब ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, वहां वाटर निकल गया तो कार्बन वाला एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके भाग गया, तो कार्बन पे आ गया प्लस, प्लस मतलब उसका एक ऑर्बिटल खाली हो गया, अब उसमें अपना लोन पेयर ऑक्सीजन दे दिया, मैंने उसके साथ शेयर कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इस कार्बन के बीच और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिएगा जरा एकदम ध्यान से देखिएगा, है नहीं, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, अब ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है CH2 CH2 CH3, और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, और तब इस पर एक लोन पे तो इस कार्बन को दिया, इस पर एक लोन पे बचा हुआ है, एक प्लस आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज याद रखने के लिए 1000 बार कहे हैं, अगर आप नहीं सुनते हैं तो बड़ा समस्या है, नहीं नहीं, तो फॉर्मल चार्ज याद रखिए, कई एक बार कहे हैं कि ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक लोन पे रहेगा और एक क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर अगला घिसा पिटा बात है, न जाने कितना बार बोले हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, तो ये प्लस हटाने का उपाय करेगा, प्लस हटाने के लिए कोई बॉन्ड तोड़ेगा, है ना, तो कौन बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, फिर से देखिए हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया तो उसका था तो एक ही, एक एक्स्ट्रा ले लिया तो उस पर एक माइनस आ गया, पहले से उस पर एक प्लस है, तो वो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है नहीं, और यहां से फिर फ्री हो गया एच प्लस, है नहीं, तो क्या होगा बच्चा, ये जो है ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2, बीच में आ गया ऑक्सीजन, और ये हो गया CH2 CH2, और ये हो गया CH3, और वहां आपका फ्री हुआ क्या आपका एच प्लस, और ये अपना वाटर तो बना ही, तो ये क्या बन गया, ये ROR, माने क्या बन गया आपका, ये इथर बन गया, है तो आप करवा रहे थे डिहाइड्रेशन अल्कोहल का, तो डिहाइड्रेशन में पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन यहां करवा लीजिए, अब प्रोटोनेशन करवाने के बाद अब टेम्परेचर हाई है कि लो है, अगर हाई है तो बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा, और अगर लो है तो बन जाएगा ईथर, कोई दिक्कत, ये एक तरीका है ईथर का बनाने का, है नहीं, तो लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। काजल कुमारी है जी,
लिख लिए। लिए अब लिखिएगा विलियमसन, विलियमसन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, 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 ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ना। लिखिएगा, लिखिएगा इट इज, इट इज, इट इज गिवेन बाई, इट इज गिवेन बाई, गिवेन बाई, गिवेन बाई एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर विलियमसन, एलेक्जेंडर विलियमसन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इट इज, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर, फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन अकर्स, अकर्स बिटवीन, बिटवीन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड बाई, बाई SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म बाई SN2 मैकेनिज्म। परिकात ये जी आपका, ये आपका है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा क्या बच्चा, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्कोक्साइड के साथ। अब अल्कोक्साइड आप बनाने के लिए आप सीखे हैं लेकिन आप याद नहीं किए हुए हैं, अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाए थे सोडियम के साथ, लिथियम के साथ है ना, या फिनॉल का भी करवाए थे तो अल्कोक्साइड बना था, NaOH के साथ भी करवाए थे, फिर से लिखेंगे उसको हम, लेकिन वो उपाय नहीं है, हमको परीक्षा तक नहीं लेके जाना है, परीक्षा तक लेके आपको जाना है। मुंह तकवा गिरोह बनल रहते हैं उसे नहीं काम चलेगा, नहीं नहीं कम से कम जो पढ़ लिए उसको रिवाइज कर लीजिए, और नहीं समझ में आया उसको पूछिए, जितना बार पूछिए, जितना बार पूछिए, नहीं नहीं लेकिन जो समझ में आ जाए उसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं नहीं अभी देखिए ना अभी कितना आपको याद है, अपने आप को बुझाएगा, हम आपसे नहीं पूछने जा रहे हैं, आप खुद से पूछिए। हाँ आप पढ़े कि नहीं पढ़े हम कन्फर्म कर देंगे, आपको अगर दिक्कत होगा तब आप कॉपी में दिखा देंगे कि आप कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए जरा। तो रिएक्शन देखे क्या होगा बच्चा, अल्काइल हैलाइड जो है ये रिएक्शन करता है अल्कोक्साइड के साथ, अल्कोक्साइड मान लिया जाए सोडियम अल्कोक्साइड या पोटेशियम अल्कोक्साइड जो भी, तब क्या होता है आपका
ये आर ओ माइनस बैक साइड से आके अटैक करता है और ये फ्रंट साइड से लीव करता है। देखते हैं मैकेनिज्म लिखते हैं आपको। तो फाइनली आपको बनता है क्या, आर ओ आर बनता है और प्लस एन ए एक्स बनता है, आर ओ आर बनता है प्लस एन ए एक्स बनता है। तो दिक्कत आर ओ आर इधर हो गया और एन ए एक्स क्या है आपका, जो भी अपना साल्ट है, एन ए एक्स है तो एक्स सी एल है तो एन ए सी एल हो जाएगा, एक्स बी आर है तो एन ए बी आर हो जाएगा, नहीं नहीं। अब मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म तो बोले ही एस एन टू मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब एस एन टू जो बोल ही दिया तो इसमें रॉकेट साइंस क्या है, एस एन टू तो आप जानते हैं ना कि कोई बैक साइड से अटैक करता है, कोई फ्रंट साइड से लीव करता है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए जरा आर एक्स और अब आर ओ माइनस आएगा, आर ओ माइनस आएगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये फ्रंट साइड से लीव करेगा, नहीं नहीं। और तब क्या हो गया बच्चा, ये बन गया आर ओ आर बन गया। हिसाब किताब रखना चाहते हो तो रखो ना भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स ले लिया, यहाँ फिर से देखो हेटरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स ले लिया, एक्स पर आ गया माइनस, तो आर पे क्या आ गया प्लस और ओ पर क्या है माइनस, ये माइनस और ओ प्लस मिल गया, कर लिया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और यहाँ से फ्री हो गया एक्स माइनस, और यहाँ से आपका एन ए प्लस है बेकार बैठा हुआ, एन ए प्लस एक्स माइनस के साथ जुड़ गया, जुड़ के क्या बना देगा आपका एन एक्स बना देगा। तो इस तरीका से ये एस एन टू पाथवे फॉलो करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो बन जाएगा ईथर, नहीं नहीं। अब है क्या कि अल्कोक्साइड कैसे बनेगा, ये हम लोग पढ़े इसी चैप्टर में कि अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए किसी मेटल के साथ, सोडियम के साथ, लिथियम के साथ, पोटेशियम के साथ, जिसके साथ करवाइए, तब क्या बनता है बाबू, ये अल्कोक्साइड, ये अल्कोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, सही नहीं। ये चीज आपका होता है अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन किया, अल्कोक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन फ्री हो गया, और नहीं तो अल्कोहल लीजिए और अल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, बेस के साथ, NaOH में NaOH के साथ OH माइनस जाएगा, यहां से H प्लस निकाल देगा, है तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा H2O, ये H2O बन जाएगा और प्लस अब H प्लस निकलेगा तो यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे छूट गया, ये हो गया RO माइनस और यहाँ Na प्लस, आर ओ माइनस एन ए प्लस मिल करके अपना जुड़ा हुआ रहेगा, ये बन गया सोडियम अल्कोक्साइड, आर ओ एन ए, आर ओ माइनस और एन ए प्लस। तो अल्कोहल का रिएक्शन आप या तो किसी मेटल से करवा दीजिए या किसी बेस से करवा दीजिए, अल्कोक्साइड बन जाएगा, फिर उस अल्कोक्साइड का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाइए तो आपको बन जाएगा ईथर, ठीक है। चूंकि रिएक्शन एस एन टू पाथवे को फॉलो करते हुए हो रहा है, एस एन टू मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हो रहा है, इसलिए ये जो अल्काइल ग्रुप लीजिए वो या तो मिथाइल लीजिए या तो प्राइमरी लीजिए या बढ़िया है तो सेकेंडरी लीजिए। चूंकि आपको पता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो एस एन टू पाथवे से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है ना, तो आर जो है, आर जो है या तो आप मिथाइल ले लीजिए सी एच थ्री नहीं है मिथाइल तो आप प्राइमरी कोई अल्काइल ले लीजिए, और नहीं है तो आप सेकेंडरी ले लीजिए, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप आप मत लीजिए। चूंकि एस एन टू में हम लोग पढ़े हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो एस एन टू पाथवे से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो टर्शियरी अगर लीजिएगा तो इस यहाँ आपको इथर नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है, क्या बनेगा हम लोग देखेंगे, तत्काल इसको लिखिए फिर बात करते हैं। नहीं जुड़ा हुआ था उसमें पैसा लेगा,
लिख लिए। चलिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको कि भैया अल्काइल हैलाइड कार्बोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको बन जाएगा इथर, है ना। अल्कोक्साइड कैसे बनेगा, तो अल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम के साथ या किसी बेस के साथ, तो बन जाएगा आपको अल्कोक्साइड बन जाएगा, है ना। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करते हुए होगा। चूंकि रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करते हुए हो रहा है तो अल्काइल ग्रुप या तो आप मिथाइल लीजिए, या तो प्राइमरी को अल्काइल लीजिए, या तो सेकेंडरी लीजिए। टर्शियरी अल्काइल अगर लीजिएगा तो वो ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। चूंकि लोग जानते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैग्नीशियम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये आपका था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आइए हम लोग इस पर और एग्जांपल लेते हैं, सही नहीं, ये चीज आपका ठीक है। अब जैसे कि मान लिया जाए आपको कोई कहा कि बाबू हमको ये इथर बना के देना है, आपसे कोई कहा, आप मान लिया जाए कोई केमिस्ट हैं जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं आप हैं और फॉर्मेशन बेचते हैं, तो मान लिया कोई आपको ऑर्डर दिया कि हमको ये कंपाउंड चाहिए, ये इथर चाहिए, तो आप कैसे बनाइएगा, समझिएगा जरा। तो आप अपना लैब में गए, देखिए कैसे हम लोग किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए, कोई बोला कि हमको ये चीज़ खाना है, तो देखते हैं ना जी कि ये चीज़ बनाना है तो वो चीज़ मटेरियल है कि नहीं है। ठीक उसी तरीका से कोई कहा कि हमको ये इथर चाहिए तो लैब में गए, हम लोग लैब में गए तो देखिए कि अच्छा मेरे पास ये अवेलेबल है, देखो जरा ध्यान से देखिएगा CH3Cl अवेलेबल है, और मेरे पास ये अवेलेबल है CH3CH2O- Na+, मेरे पास ये अवेलेबल है। तो अब तो कहे कि जब दोनों अवेलेबल हैं ही तो ये बनाना बड़ा आसान है, कैसे होगा बच्चा, तो इसको इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, ये बैक साइड से आकर के इसको अटैक कर देगा, ये फ्रंट साइड से लीव कर देगा, और तब O के साथ जाके कौन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, दिक्कत, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए खत्म कहानी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लैब में गए पता चला कि ये नहीं था, ये था, देखेंगे बाबू लोग CH3CH2Cl+CH3O- Na+, ये था लैब में, ये था, सही नहीं, ये नहीं था, ये था, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, है? ये देखिए ये यहां इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, ये फ्रंट साइड से लीव करेगा, यहां हो जाएगा CH2 से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन और फिर CH3, यानी CH3CH2O CH3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी हम सबको कोई बनाने के लिए कहा था कि ये चाहिए हमको, इसका फॉर्मेशन हम या तो ऐसे कर सकते हैं इन दोनों का रिएक्शन करवा के, और नहीं तो ऐसे कर सकते हैं इन दोनों का रिएक्शन करवा के, दिक्कत ये चीज। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, किसी दिन कोई व्यक्ति हमको कहा क्या, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए CH3CH3O CH3, हमको ये चाहिए, कोई व्यक्ति हमको कहा कि हमको ये चाहिए, बोले ठीक है बना के दे देंगे, फिर लैब में गए तो देखिए क्या कि ये पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ बच्चा, ये CH3CH3CH3Cl+CH3O- है, इन्हें प्लस जोड़ना चाहते हैं जोड़ दें, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो हम सोचे ये तो अच्छा तो है, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये फ्रंट साइड से लीव करेगा, अब तब ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगा, ऐसा हम सोचे,
इन तभी दिमाग का दूसरा कोना कहता है, अरे पागल हो क्या, ये आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैग्नीशियम से प्रोडक्ट नहीं बनाता है, तो यहां ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे अटैक होना है वो काफी बड़ा बड़ा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, काफी बड़ा बड़ा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यहां पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप ये जो सोच लिए कि आके अटैक कर देगा और ये हट जाएगा और ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, यहां ऐसा होने वाला नहीं है। यानी इसको इसके साथ रिएक्शन करवा के ये नहीं बन सकता है, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो तो अलग बात है, देखेंगे, ये नहीं बन सकता है, सही नहीं? क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 पाथवे से प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो अब ये चाहिए, तो चाहिए तो क्या कर सकते हैं भाई? तो हमको फिर ये लगा कि अगर ये हमारे पास रहे CCH3 CH3 CH3 O माइनस Na प्लस, अगर ये रहे हम लोग के पास, तो क्या होगा? ये जाकर के बैक साइड से अटैक कर देगा, ये फ्रंट साइड से लीव कर देगा, सही नहीं? और तब फाइनली हम लोग को ये बन जाएगा, सही नहीं? फाइनली हम लोग को ये बन जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना है कि क्या बनाना है, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। यहाँ पर ये बनाना था तो स्टार्टिंग मटेरियल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जब ये बनाना है तो स्टार्टिंग मटेरियल यही होना चाहिए। कोई और होगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या कोई अलग प्रोडक्ट बनेगा वो देखेंगे बाद में। पहले इसको लिखिए फिर बात करते हैं। हरिशरणम बोलो, हरिशरणम। क्लास 7:30 में है, 7:30 से लेट मत कीजिए। लिए तो ये है आपका, तो ये SN2 पाथवे से प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगा, सही नहीं? ये SN2 पाथवे से प्रोडक्ट आपका नहीं बनाने वाला है, सही नहीं? SN1 से SN2 से नहीं बनाएगा। तो बहुत लोग जो सोच रहे हैं वो सोच सकते हैं, सही नहीं? सोच सकते हैं, बहुत लोग सोच भी नहीं करता है। बहुत का तो मतलब है ऑर्गेनिक, मतलब कि रटना, ऑर्गेनिक में रटने वाला चीज़। तो बहुत लोग जो सोच रहे हैं वो सोचें, सर SN2 से नहीं बनाया, क्या दिक्कत है?
एशियन मन से बना ले हैं, ये टूट जाए, टूट जाए तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकेटायन, प्लस आ जाएगा और इस प्लस के साथ फिर ये माइनस आके जुड़ जाए तो बन तो सकता है सर। एशियन टू से नहीं बनेगा, एशियन टू से नहीं बनेगा, एशियन वन से तो बन ही सकता है ये प्रोडक्ट जो भी आप जिसको मिटाए। हम लोग ना एशियन वन से भी नहीं बनेगा, सही नहीं, क्योंकि ये एशियन वन पाथवे फॉलो करते हुए ये रिएक्शन होगा ही नहीं, सही नहीं। एशियन वन रिएक्शन कब होता है, जब न्यूक्लियोफाइल वीक हो। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, काफ़ी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के प्रिंस में रिएक्शन जो है वो एशियन वन पाथवे को फॉलो करते हुए नहीं होगा। कोई दिक्कत ये चाहिए आपका, मैंने एक यहाँ कह सकते कुछ उस तरह का बात है कि आप पैसा फेंकने के लिए तैयार हैं तो किसी का फिर इंतज़ार आप नहीं कीजिएगा। इतना गर्मी आप में चढ़ा हुआ है, हम इतना पैसा दे रहे हैं तो भोजन लाने में इतना टाइम तुम कहाँ लगा रहे हो, ये सफाई से कहीं नहीं कर रहे हो, नहीं तो ये गर्मी एकदम चढ़ा हुआ है, तो ये आप एकदम स्ट्रांग न्यूक्लियो मैंने काफ़ी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, ये काफ़ी स्ट्रांग बेस है, तो कोई बॉन्ड टूटे और तब हम जाके अटैक करें इतना इसके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है। जल्दी से जल्दी ये स्टेबल हो जाना चाह रहा है, तो जल्दी से जल्दी किसी के साथ बॉन्ड बना लेना चाह रहा है, सही नहीं। ये चीज़ आपका अगर ये वीक रहता या रिलेटिवली स्टेबल रहता तो फिर ठीक है, चलो बॉन्ड तोड़ो, तोड़ो ना, हम इंतजार कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, तोड़ो। टूट गया, चलो ठीक है, टूट गया तो हम आके अब अटैक करेंगे, बस ही नहीं। तो ये काफ़ी चूंकि स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रांग बेस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आपको सीधा से याद रखें फेवर करता है एशियन टू रिएक्शन को, एशियन वन को वो फेवर नहीं करता है, नहीं वो एशियन टू को फेवर करता है। कोई दिक्कत ये चीज़ आपका, सही नहीं। तो ये जो है वो एशियन टू मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएगा है, लेकिन मैंने ये लेकिन ये रिएक्शन पूरा का पूरा रिएक्शन एशियन टू मैकेनिज्म होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला बताएं ही, चूँकि ये जो है ये क्या है आपका हिंडर्ड है, ये क्या है बच्चा हिंडर्ड है। चलिए तो अब ये क्या उपाय है, हैं तो अब ये तो टूटेगा, ये टूटेगा और टूट करके आपको दे देगा CH3 और इस पर आ जाएगा प्लस, बोली कैट ये दे देगा आपका और तब ये जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ अगर माइनस आ जाए या यहाँ माइनस आ जाए या यहाँ माइनस आ जाए कहीं भी एक जगह माइनस आ जाए तो ये माइनस माइनस मैने अभी हम लोग देखे हैं कि माइनस मैने कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, प्लस मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, दोनों आपस में कर लेगा शेयरिंग और दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है सिंगल बॉन्ड, तो फिर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे बेस जो है वो कौन काम करेगा, बेस का काम करेगा CH3O-, तो ये आपका है CH2 और ये है आपका H, ये आएगा हाइड्रोजन को हटाएगा है, हाइड्रोजन H+ के रूप में हटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, तो ये बन जाएगा क्या आपका CH3OH हो गया और इस पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पहले ही से है प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या कर लेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो CH3 डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका ये CH2 क्या बन गया, ये अल्कीन बन गया। कोई दिक्कत आप ठीक उसी तरीका से अगर एक से ज़्यादा अल्कीन बनता तो फिर से हम लोग कहते कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, सही नहीं। ये चीज़ आपका जैसे हम मान लिया जाए ये ना हो करके हम ये लेते क्या CH3 और ये CH करते तो क्या होता बच्चा ये टूट जाता बॉन्ड, पहला बार में बॉन्ड टूटता तो क्या होता ये बनता CH3 CH2 CH3 CH3 और ये आपका प्लस आ गया। और अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहे या यहाँ माइनस रहे
बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां माइनस रहे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां रहे बात बराबर है, और यहां रहे तो बात कुछ अलग है। तो दो ठो प्रोडक्ट बनेगा, है ही नहीं? तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एस टू और ये सी, माने यहां से हाइड्रोजन हटाए तो डबल बॉन्ड हो गया सी एस टू और ये आपका हो गया सी एस थ्री। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, तो हाइड्रोजन को यहां से हटाइए, तो यहां से हाइड्रोजन हटाइएगा तो यहां माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस में क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, ये सी एस थ्री, ये सी एच और ये डबल बॉन्ड सी और ये हो गया सी एस थ्री और ये हो गया सी एस थ्री। ठीक है, और से कहता है कौन मेजर प्रोडक्ट, तो बार बार कह रहे हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और मोर सब्स्टिट्यूट कैसे पहचानेंगे, तो जहां बोले थे कि डबल बॉन्ड के आसपास कम हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा हो, तो यहां जो है डबल बॉन्ड के आसपास हमको एक हाइड्रोजन दिख रहा है यहां पर, और यहां जो है डबल बॉन्ड के आसपास आपको दो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये लेस सब्स्टिट्यूट है तो ये क्या हो गया बच्चा, माइनर प्रोडक्ट हो गया। कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। अब यही काम अब अलग तरीका से कर सकते हैं, यही काम आप फिनॉल लेके भी कर सकते हैं कि आप ले लीजिए फिनॉल, नहीं नहीं ये आप जो है फिनॉल लिए, नहीं नहीं और फिनॉल का रिएक्शन करवा दीजिए OH के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एसिडिक हाइड्रोजन है OH माइनस जाएगा H प्लस ले लेगा, है नहीं? तो ये आपका जो है आपका ये O माइनस और ये प्लस OH माइनस H प्लस मिल गया H2O बन गया। कोई दिक्कत, और तब आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, ये जा करके बैक साइड से अटैक करेगा और ये फ्रंट साइड से लीव करेगा, तो क्या बनेगा बच्चा, देखिए ये फिनाइल ग्रुप है, ये रहा आपका फिनाइल ग्रुप, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा आर, यहाँ से फ्री हुआ एक्स माइनस, यहाँ आपका हो गया एन ए प्लस, एक्स माइनस और एन ए प्लस क्या बन गया, एन एक्स हो गया है। अगर x जो है, अगर x आपका सी एन माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, एन ए सी एन हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये चाहिए आपका, समझे बात, इसको लिखिए फिर बात करते हैं। दिक्कत हो उसको पूछेंगे, जो दिक्कत हो तुरंत पूछें, अपने हिसाब से हमको लगा कि हम बेहतर एक्सप्लेनेशन दिए हैं, हो सकता है वो बेहतर नहीं हो, आपको जो दिक्कत हो उसको पूछें। लिख लिए तो हेडिंग दिएगा रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एच एक्स, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एच एक्स,
रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एच एक्स. एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड एच सी एल एच बी आर एच आई, उसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ईथर का. इसमें कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, इसमें अगर दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं बोलिए तो अपना पढ़ने के बाद अपना बोलिएगा, है ही नहीं. खाली छापना पढ़ाई नहीं है, बार बार हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे तो आपके किताब में जाके छपेगा, सब पहले छपा हुआ है. बहुत ज्ञानी लोग तपस्वी लोग ये सब ज्ञान दिए हुए पहले से ही. तो क्लास करने का उद्देश्य है कि दिमाग में छपना चाहिए. दिमाग में अगर नहीं छप रहा है, सिर्फ कॉपी में छप जा रहा है तो दिक्कत है, है नहीं. तो हम लोग कर रहे हैं बाबू रिएक्शन, रिएक्शन. अब इथर बन गया तो रिएक्शन तो करेगा ना जी. अब मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथर, अब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इथर का, है नहीं. रिएक्शन ऑफ इथर, जन्म स्थान कर्म स्थान, बस. तो किसी भी कोई भी रिएक्शन कम से कम दो जगह जरूर मिलेगा. तो रिएक्शन ऑफ इथर, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर विथ एच एक्स. रिएक्शन ऑफ ईथर करें किसके साथ? एच एक्स के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, है नहीं. बड़ा सा सिंपल, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है नहीं. एच एक्स एक्सेस जब मानते हुए एनसीईआरटी बात कर रहा है तो हम लोग भी एच एक्स को एक्सेस मानते हुए ही बात करेंगे, सही नहीं. ये चाहिए आपका. जैसे हम लोग अभी हैं, आपको एक केस लेते हैं, हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एच एक्स के साथ. बोला कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा, आप ये बताइए. मान लिया जाए एच एक्स के जगह पे हम यहाँ पर ले लिए सी एल ले लिए, ख़त्म कहानी. कहा कि कौन प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा, आप ये बताइए. तो एकदम टेंशन नहीं लेने का, यही नहीं, आराम से लंबा श्वास लेने का और फिर सोचने का, यही नहीं. क्या सोचने का भैया? तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो इस पर थोड़ा नेगेटिव, इस पर आ गया थोड़ा पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो ये चिल्लाना शुरू किया कि क्लोरीन अंकल गंदे हैं, मेरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहे हैं, है. इसका आवाज़ ऑक्सीजन के कान तक पहुंचा, ऑक्सीजन के पास लोन पर पड़ा हुआ था, वो दौड़ा दौड़ा आया, बोला बेटा घबराओ मत, हम तुमको दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो तुमके तुम्हारे पास तो मैक्सिमम क्षमता दो इलेक्ट्रॉन रखने का है, कहाँ रखोगे? तो कहा ये गंदे एंगल के साथ हम बॉन्ड तोड़ देंगे, है नहीं. ये बॉन्ड टूट गया, हेट्रोलिटिकली टूटा है. अब इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब रखिए ना भाई. दो बॉन्ड में इसका एक ही था, लेके भाग रहा है दोनों, एक एक्स्ट्रा लेके भाग रहा है, तो उस पर आ गया एक क्या आपका माइनस. और अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो हाइड्रोजन पे आ गया प्लस, और ऑक्सीजन उसको दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बन जाएगा एक बॉन्ड, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा. तो फाइनली क्या बनेगा देखिए जरा, आपका बन जाएगा ये सी एच थ्री सी एच टू ओ, और ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री, और ये जुड़ गया एच, एक लोन पेयर है और इस पर एक प्लस आ गया, खत्म कहानी. ये बन गया है, ये बन गया. आपको कई एक बार कहे हैं इन्फॉर्मल चार्ज याद रखिए, ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक लोन पेयर रहता है और एक प्लस चार्ज रहता है. तो पहला स्टेप में ये कर देना है. ये करने के बाद चाय कॉफ़ी ठंडा ऊंडा जो पीने हैं पीजिए, और आराम से सोचिए कि आगे रिएक्शन एस एन टू पाथवे से होगा कि एस एन वन पाथवे से होगा. तो
SN1 आप जानते हैं कि दो स्टेप में होता है, पहला स्टेप में कार्बोक्टेन बनता है। तो आप सोच के देखिए, मन में ये सब करना है कि अगर ये बॉन्ड मान लो ऐसे टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले ले तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, फिर बच जाएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। बहुत 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 अनस्टेबल होता है, तो बनेगा ही नहीं। अगर ये बॉन्ड ऐसे ना टूट के ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये भी बहुत 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 अनस्टेबल होता है। तो ये भी ये अगर ऐसे टूटे इस पर प्लस आएगा, और ऐसे टूटे तो इस पर प्लस आएगा, और ये दोनों जो है बहुत 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 अनस्टेबल है। तो बहुत अनस्टेबल है तो दोनों में से कोई बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं तो ये SN2 पाथवे को नहीं फॉलो, सॉरी SN1 पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। यानी आगे अब ये जो रिएक्शन है वो SN1 पाथवे से नहीं होगा, अब आगे ये जो रिएक्शन है वो SN2 पाथवे से होगा। कौन सा पाथवे से होगा? SN2 से होगा। और SN2 में तो आप जानते ही हैं कि कोई बैक साइड से आके अटैक करता है, कोई फ्रंट साइड से लीव करता है। यानी कोई जिधर से अटैक करेगा उसका उल्टा साइड से कोई लीव करेगा, यही ना होता है जी। और आप ये भी जानते हैं कि SN2 में सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करता है? जहाँ हिंड्रेंस सबसे कम हो, जहाँ रोक टोक भीड़ भाड़ सबसे कम हो, सही नहीं? तो यहाँ पे अब Cl- आके अटैक करेगा। अब Cl- अटैक करने कहाँ जाएगा? तो वो जा सकता है इस कार्बन पे जा सकता है और इस कार्बन पे जा सकता है, हैं? कहाँ अटैक करेगा भाई? तो इस कार्बन पे अगर वो अटैक करने Cl- देख रहा है कि इस कार्बन पे जब हम अटैक करने जा रहे हैं तो इस कार्बन घिरा हुआ है 3 हाइड्रोजन से, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, जबकि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 ग्रुप से जुड़ा घिरा हुआ है। ये कार्बन जिस पर अटैक होना है, जिसको आज हम गोली मार देना है, तो ये 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, और ये कार्बन जिस पर अटैक होना है ये 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 से घिरा हुआ है। कोई दिक्कत? तो ये 1 बड़ा ग्रुप से भी ना घिरा हुआ है जी, और ये क्या है, तीनों का तीनों हाइड्रोजन छोटा ना है। हाँ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन छोटा है ही, लेकिन एक तो बड़ा ग्रुप CH3 ना हो गया, तो यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा ना है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो बार बार कह रहे हैं कि SN2 में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और भीड़ भाड़ अगर कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो है ये जाके यहाँ अटैक करेगा, तो इधर से अटैक कर रहा है तो फिर इधर से ये लोग लीव कर देगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब तब हिसाब किताब रखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके भाग गया तो कार्बन पे प्लस ना आ गया, और इस पर क्या आ गया, इस पर तो माइनस है ना, ये तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? और जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ना आया जी, तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, पहले से उस पर एक प्लस था, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो गया, तो ये बन गया CH3CH2OH। तो ये प्रोडक्ट बना। अगर HCl एक्सेस नहीं कहता, NCERT चूंकि एक्सेस मान के ही बात कर रहा इसलिए हम ऐसा बात बार बार बोल रहे हैं, अगर HCl एक्सेस नहीं कहता तो हम लोग यहीं रुक जाते, हमारा प्रोडक्ट यही होता, एक अल्कोहल हो गया एक ये हो जाता, लेकिन वो एक्सेस कह रहा है, सही नहीं? जय भगवान, खुश रही, वो एक्सेस कह रहा है, सही नहीं? तो अब क्या होगा, अब फिर ये अल्कोहल जो है HCl से रिएक्शन करेगा, तो अल्कोहल का रिएक्शन तो आप HX के साथ करवाए ना है, तो फिर ये करेगा रिएक्शन, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए जरा आपका ये CH3CH2OH, अब HCl से करवाए रिएक्शन, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये जाके यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, खत्म कहानी। अब तब क्या हो जाएगा, CH3CH2 और ये हो गया OH2 प्लस हो जाएगा, फ्री क्या हुआ, फ्री हुआ Cl-, ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, और ये फ्रंट साइड से क्या होगा, ये लीव करेगा, और तब फाइनली क्या बन गया, CH3CH2Cl और फ्री क्या हो गया, H2।
बोले कार ये छियप्पा, यानी देखो ना रटने के लिए बोल रहे हैं हम, रटने के लिए कि अगर ईथर का रिएक्शन करवा दिए एक्सेंशियल के साथ तो प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन गायब कर दिए, एक्सीएल इससे जुड़ गया, एक्सीएल इससे जुड़ गया, ये तो प्रोडक्ट बना है, ये नहीं बना है जी, ये को बना है CH3Cl, वो क्या बना है CH3CH2Cl बना है, कोई दिक्कत, ये चीज़ आपका, बाकी मैकनी आपको बताए हैं, बाकी कहानी अगले क्लास में है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई सुझाव अगर हो वो तो निश्चित रूप से दें, है ही नहीं, ये जी आपका फ्री में आप सुझाव दीजिएगा, इससे अच्छा और क्या है ही नहीं, थैंक यू। ओ पालन हरे निर्गुण और न्यारे।